हेलो, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीक्रेट वॉर का एक फाइनल एपिसोड। और इस एपिसोड में हम देखेंगे कि इस बैटल वर्ल्ड का अंत कैसे होता है, या फिर होता है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream. Now I'm the only one, only one. नेमर और ब्लैक पैंथर दोनों डॉक्टर डूम के सामने खड़े थे, जहाँ पर वो कहता है, तो तुमने इन आर्मीज को इकट्ठा किया और इस सब के पीछे तुम थे टचाला, है ना? तब नेमर कहता है हाँ, और इस बार उसके साथ कुछ मदद भी थी। तो विक्टर, अब ये सब कुछ खत्म हो चुका है। तब विक्टर कहता है, चलो भी नेमर, मैन होने के साथ एक रूलर बनना काफी मुश्किल है, और तुम जानते हो कि गॉड बनना उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल है। मैं तुम दोनों के लिए कुछ कर सकता हूँ अगर तुम मेरे साथ आ जाओ। मैं नया वाकंडा और एक नया एटलांटिस बनाकर दे सकता हूँ तुम लोगों के लिए। तो ब्लैक पैंथर कहता है, और वो सही रहेगा, है ना? वो एक फेक किंगडम होगी, मैन्युफैक्चर्ड वर्ल्ड, जैसे कि ये है एक फ्रॉड। वाकंडा बनाने के लिए एक विजन की जरूरत है जो तुम्हारे पास नहीं है। तब डॉक्टर डूम कहता है, और वो तुम्हारे पास है, तो तुम्हारा यही प्लान है कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट का यूज करके तुम मेरी पावर अपने लिए रख लो, और एक फॉलन किंग जो कि वाकांडा का है, वो फिर से एक मसीहा के रूप में फिर से जिंदा होकर लोगों को बचाए, है ना? तब वो कहता है, नहीं, एक्चुअली प्लान कुछ और ही है। और नेमर के इतना कहते ही गॉन्टलेट का इस्तेमाल करके वो डूम को फ्रीज कर देता है, और नेमर अपना ट्राइडेंट चलाकर उसे टुकड़ों में बिखेर देता है। और वो कहता है, ये इतना आसान था, मुझे लगा ही नहीं। तब ब्लैक पैंथर कहता है, नहीं, ये इतना आसान नहीं था। और उन टुकड़ों के बीच में से फिर से उठता है डॉक्टर डूम। उठते हुए वो हमला करके कहता है, ये काफी पेनफुल था, लेकिन पेन ही मुझे क्लैरिटी देती है टचाला, और अब मेरा पूरा ध्यान तुम पर है। तब टचाला कहता है, ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं इस जंग को। तो वो कहता है, हाँ, लेकिन हम इसे फिनिश गॉड्स की तरह करेंगे, और ये एंड अर्थ स्काई और यहाँ तक कि हेवंस तक को हिला देगा। यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज के स्टैचू के नीचे फैमिली इकट्ठा हो चुकी थी, और रेड को देखकर सुजन कहती है, मैं तुम्हें जानती हूँ, मैंने तुम्हें उस होलोग्राम में देखा था बैटल वाले, तुमने स्टीफन को मारा है। तो वो कहता है, हाँ, तुमने मुझे वही पर देखा होगा, लेकिन स्टीफन की मौत से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, वो डूम था। तो वो कहती है, गॉड। तब रेड कहता है, विक्टर, चीजें बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी जैसे कि आज है, और ना ही मैं ऐसा चाहता था, और मैं वो जो इसे ठीक कर सकता है। हम ऐसा नहीं चाहते थे, ना ही मैं, ना ही बैल, और ना ही तुम सुजन। तब सुजन कहती है कि तुम हो कौन। तब वो बताता है, मेरा नाम है रीड रिचर्ड, और मैं ही अकेला ऐसा हूँ जो इन सब चीजों को ठीक कर सकता है। यहाँ पर वो दोनों अंदर उस बेसमेंट में आ चुके थे जहाँ पर ओवन रिच था, यानी कि मॉलिक्यूल मैन। और वहां पर आते ही वो सबसे पहले उनसे पूछता है कि तुम लोग मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आए हो। तब रीड रिचर्ड और 616 का कहता है, मुझे अंदेशा तो था कि कुछ ऐसा ही होगा, कि मैंने इसके लिए तैयारी नहीं की थी, तो सॉरी ओवन। यहाँ पर पता चलने के बाद कि यही बैटरी सोर्स है डॉक्टर डूम का, मेकर अपनी चाल चल चुका था। मेकर एक बबल क्रिएट करता है, और उस बबल के अंदर धीरे धीरे करके रीड रिचर्ड कमजोर होने लगता है, और वो पहले ही जानता था कि वो कमजोर है, वो अपने इमोशंस के आगे कुछ सोच ही नहीं सकता। और जैसे उसने सुजन को देखा था, बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो चुका था और कमजोर पड़ चुका था, तो इसीलिए उसने चल चल के उसे मारने की कोशिश करनी शुरू कर दी थी। लेकिन तभी ओवनरिच द मेकर को पिज्जा स्लाइसेस में बदल कर मार देता है। और यहाँ पर जैसे ही वो होश में आ चुका था, तब ओवनरिच रीड से कहता है, रीड जल्दी उठो, क्योंकि वो बहुत ही जल्द यहाँ पर आता होगा। यहाँ पर बैटल वर्ल्ड में फाइट कंटिन्यू थी, लेकिन टचाला पर इन्फिनिटी गॉन्टलेट होने के बाद भी डॉक्टर डूम भारी पड़ रहा था, और वो उसे मारते हुए कहता है, टचाला, क्या तुम यही चाहते थे? क्या तुमने यही प्लान किया था? तुमने मुझे सिर्फ रिड्यूस किया, फिजिकली वॉयलेंस दिया, और अब तुम डूम के सामने झुकोगे, लेकिन तुम इतना पिटने के बाद भी हंस क्यों रहे हो? तब वो कहता है, क्योंकि मैं सिर्फ थोड़ा सा टाइम अर्न कर रहा था, असली प्लान यहाँ पर नहीं था, असली प्लान तुम्हारा स्ट्रक्चर तबाह करना था, और वो लगभग पूरा होने ही वाला है। तब वो कहता है, ये एक डिस्ट्रैक्शन था, और वो वहां से टेलीपोर्ट होकर उसी जगह पर पहुंच जाता है। वो अंदर आते हुए रीड रिचर्ड को जोर से पुकारता है और कहता है, तो तुम्हारे पास इस बार कौन सा ग्रेट प्लान है? हर बार की तरह अब भी होगा,
एक न्यू आइडिया, एक फ्रेश, है ना, जो कि मुझे गलत साबित करे और तुम्हें हीरो। तो इस बार तुमने क्या बनाया, एक मशीन? तो वो कहता है नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं यहाँ पर आकर सिर्फ कोड को कन्वेंस कर रहा था इस सॉल्यूशन के लिए। तो वो कहता है बेटर सॉल्यूशन, तुमने पूरी लाइफ यही किया, सिर्फ कुछ कंस्ट्रक्ट बनाई और आदमियों को बचाने की झूठी कोशिश की। इथिक्स, ऑर्डर और सोसाइटी, ये बड़े बड़े टर्म्स यूज करके तुमने कितनों को बचाया? मैंने मिलियंस को बचाया, मिलियंस को सेव किया, और तुम यहाँ पर आकर मेरे वर्ल्ड को तबाह कर रहे हो। यहाँ तक कि तुम अपनी फैमिली को भी नहीं बचा पाए। और इतना कहकर वो अपनी पावर्स यूज करने जाता है, लेकिन वो अपनी पावर्स यूज नहीं कर पाता। तो वो ओवरिस से कहता है कि तुमने ये क्या किया? तब रिस कहता है तुम मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आए हो? और डूम कहता है नहीं। तब वो बताता है कि तो फिर फाइट इक्वली होगी, और वो दोनों अपनी पावर्स के साथ ही लड़ने लगते हैं। और रीड रिचर्ड को मारते हुए डूम कहता है तुम्हें लगा था कि तुम मुझसे बेहतर हो? तब वो कहता है नहीं, मुझे ये नहीं लगा था, मुझे लगा था और मुझे विश्वास था कि तुम इससे बेहतर हो, तुम। लेकिन डूम कहता है नहीं, मेरा मतलब था अभी, तुम्हें इस वक्त लगता है कि तुम मुझसे बेटर हो, तुम मुझसे बढ़कर हो, तुम मुझसे बेटर कर पाते? तब रीड कहता है हाँ, और ये हम दोनों जानते हैं। पर तब डूम कहता है हाँ मैं जानता हूँ, इस वजह से अब तुम मरोगे। तब ओवन रिस कहता है तो तुम दोनों एक ही बात पर एग्री हो चुके हो तो यही सही। लेकिन डूम कहता है नहीं, ऐसा मत करो। लेकिन तब तक पूरा वर्ल्ड तबाह हो चुका था और दोनों एक ही बात पर एग्री थे कि रीड रिचर्ड तुमसे बेहतर गॉड बनता उस पावर्स के साथ। और अब वो पावर्स रीड रिचर्ड के पास जा चुकी थी। 8 महीने बाद मार्वल यूनिवर्स प्राइम अर्थ, जहाँ पर दो स्पाइडरमैन थे, माइल्स मोरेल्स और पीटर पार्कर। लेकिन माइल्स मोरेल्स अब इस अर्थ पर अपनी माँ के साथ था, क्योंकि उसने ओवरिस को उस वक्त पर हैमबर्गर दिया था जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो इसी वजह से उसने उसकी माँ को जिंदा कर दिया था। यहाँ पर प्राइम अर्थ फिर से सेटल हो चुकी थी और अब और रिसेटलमेंट के बाद मल्टीवर्स बनना फिर से शुरू हो चुका था। फ्रैंकलिन रिचर्ड अपनी पावर के साथ प्लैनेट्स बनाता और रीड रिचर्ड अपनी पावर्स के साथ उन्हें सेटल करता अलग अलग डायमेंशंस में। ओवरिस अपना एक हिस्सा निकालकर हर एक डायमेंशन में भेज देता हर एक मल्टीवर्स में। और क्योंकि ये पूरी दुनिया एक विलन की नहीं बल्कि एक हीरो की थी, इस वजह से इस दुनिया में सबको माइंड चेंज करके रहने का मौका था, यहाँ तक कि डॉक्टर डूम को भी। डॉक्टर डूम जो कि अपना चेहरा पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाया था इस वर्ल्ड में, वो अपने पूरे चेहरे के साथ अपने एक्वेरियम में खुश था। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, साथ ही साथ अगर आपके पास इससे अच्छा कोई सोल्यूशन है तो मुझे कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ। धन्यवाद और जय हिंद।